गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ क्राइसेंथेमम पार्ट वन। एमएससी इज हॉर्टिकल्चर थर्ड सेम सेकेंड ईयर के छात्र हैं आप। सब्जेक्ट कोड हॉट 506, सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर्स, यूनिट फर्स्ट, लेक्चर नंबर 7। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्वागत करता हूँ आप सभी का। जैसा कि हम लोग कोविड-19 के तहत जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हम आप लोगों के साथ में ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप घर पर सुरक्षित हैं और अच्छे, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को हमारा वीडियो भी काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वाई लैंग्वेज में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं आउटलाइन की तरफ कि हम इस वीडियो में कल्टीवेशन ऑफ क्राइसेंथेमम हम क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम जानेंगे आउटलाइन कि हम इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन किसी क्रॉप के बारे में, उसके बाद सॉयल एंड क्लाइमेट, किसी भी क्रॉप के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है कि हमारे सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है और क्लाइमेट हमें जिस सॉइल एंड क्लाइमेट में हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी क्रॉप को। इसके बाद हम जानेंगे प्लांटिंग मटेरियल्स एंड वैरायटी, हमें क्या प्लांटिंग मटेरियल्स चाहिए। इसके बाद प्रोपोगेशन एंड प्लांटिंग, किस प्रकार से हम प्रोपोगेशन करेंगे किसी भी क्रॉप का। प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स वाई सेक्चुअल एंड ई सेक्चुअल मेथड्स। एंड प्लांटिंग, किस प्रकार से हम प्लांट, मैनर फर्टिलाइजर्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी क्रॉप के लिए कि हमें किसी भी क्रॉप के लिए एक आवश्यक मैनर फर्टिलाइजर जो कि हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम जानेंगे प्लांटिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं, किसके किसके द्वारा हम प्लांटिंग मेथड्स यूज करते हैं, और इरिगेशन, इरिगेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमें इसको समझना कि इरिगेशन हमें कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए और किस सीक्वेंस में देना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियली रूप से दिया गया पानी किसी भी फील्ड में इरिगेशन कहलाता है, जिसको हम आर्टिफिशियली रूप से पौधे को प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार। और उसके बाद डिफरेंसेस, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। बोटनिकल नेम की अगर हम बात करें कि इसका बोटनिकल नेम क्या है, तो डेंड्रंथिना ग्लैंडीफ्लोरा। किस फ्लांगली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली वो कौन सी है, एस्ट्रेसी है। ऑरिजिन की अगर हम बात करें तो इस साउथ यूरोप इसका ऑरिजिन क्षेत्र है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, साउथ यूरोप। बोटनिकल नेम डेंड्रंथिना ग्लैंडीफ्लोरा, फैमिली हमारी है एस्ट्रेसी है, ऑरिजिन हमारा साउथ यूरोप है। इसको हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं, कॉमन नेम इसके जो है क्राइसेंथेमम है, इसके अलावा हम इसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं,
क्वीन ऑफ ईस्ट कहते हैं इसको, एंथम क्वीन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले हमने क्या जाना, बोटनिकल नेम क्या है, इसके बाद हमने फैमिली, और इसके बाद हमने ऑरिजिन, कॉमन नेम है हमने क्राइसेंथम, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट, एथम, इसको हम एथम क्वीन कहते हैं, पतझड़ की रानी भी। सॉइल एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसी भी क्रॉप के लिए एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हमें किसी भी क्रॉप में कुछ सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए, बेटर प्रोडक्शन प्रदान करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि हम कौन सी क्रॉप को किस प्रकार की सॉइल में हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेटर उसका यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्राइसेंथम की अगर बात करें तो हमें सैंडी लॉम हैविंग पीएच 6.2 to 6.7 आइडियल फॉर ग्रोइंग क्राइसेंथम। अगर हम क्राइसेंथम क्रॉप की अगर हम बात करें तो हम किस प्रकार की सॉइल उचित मानी जाती है हमारी, सैंडी लॉम। इसके अलावा पीएच हमारा 6.2 to 6.7 आदर्श जो हमारा पीएच माना जाता है, इस पे हमारी क्रॉप काफ़ी उचित प्रकार से ग्रो करती है, वो हमारा क्या है 6.2 to 6.7। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्लाइमेट की, कि हमारा क्लाइमेट क्या होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी 1.2 to 1.6 mg² पर डे, क्वालिटी 600 to 800 mm, फोटो पीरियड लेस देन 9.5 आवर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो नाइट टेम्परेचर हमारा 10 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, डे टेम्परेचर 18 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड। CO2 की अगर हम बात करें तो 500 to 1000 ppm आवश्यक है। तो ये हमारी क्राइसेंथियम के लिए बेटर प्रोडक्शन के लिए हम बात कर रहे थे कि सॉइल एंड क्लाइमेट, हम इस सॉइल में अगर हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो हम बेस्ट एंड बेटर प्रोडक्शन प्राप्त करेंगे। इस पीएच पर जो हमारा दिया हुआ है 6.2 to 6.7 पर बेटर प्रोडक्शन, इसी प्रकार से क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं इतना टेम्परेचर होने पर हमारा बेटर प्रोडक्शन प्राप्त होगा। नाइट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है नाइट का 10 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड और डे का 18 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड। CO2 की अगर बात करें तो 500 to 1000 ppm हमारी क्रॉप के लिए काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं प्लांटिंग मटेरियल्स एंड वैरायटी की, कि प्लांटिंग मटेरियल्स हमें क्या यूज करना चाहिए, यूज डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम द रेपुटेटेड सोर्स, काफी महत्वपूर्ण हमारा ये पोर्शन है बात करें, क्योंकि जब तक हमारा प्लांटिंग मटेरियल बहुत अच्छे रेपुटेड सोर्स से नहीं होगा, काफ़ी अच्छी जगह से नहीं होगा, डिजीज फ्री नहीं होगा, किसी प्रकार से अगर अनहेल्दी होगा तो हम किसी भी क्रॉप का बेटर प्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पौधा हमारा ग्रो ही नहीं करेगा उचित प्रकार से, और वो किसी बीमारी या इंसेक्ट की वजह से वो प्लांट खत्म हो जाएगा। कलर प्रेफरेंस शुड गिवन ऑन वाइट, येलो एंड रेड एंड पिंक। तो हमारा
बहुत अच्छी, एक अच्छे सोर्स से, एक अच्छी जगह से हमें जो प्लांटिंग मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं क्राइसेंथम के लिए, वो हमें एक अच्छी जगह से लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार से इंसेक्ट डिजीज का अटैक नहीं होना चाहिए और अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। वैराइटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड टाइप्स हमारा जो है वन फायर ऑरेंज, वन फायर येलो। स्प्रे टाइप की अगर बात करें रेगन येलो, रेगन वाइट, नैनाको। इसके अलावा भी कई बहुत सारी वैरायटियां हैं और इनका अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैरायटी सूटेबल मानी जाती है। किसी भी क्रॉप के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो हमारी वैरायटी होती है, एक अलग अलग रीजन में अलग अलग सूटेबल कंडीशन वहाँ की क्लाइमेट एंड सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो प्रोपोगेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वाई सेक्सुअल एंड ई सेक्सुअल मैथड्स, या तो हम बीज के द्वारा। सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन में या तो सीड के द्वारा हम डायरेक्ट इसको पौधे को ग्रो करते हैं। ई सेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जिसके द्वारा हम पौधे के किसी भी भाग के द्वारा हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं, चाहे वो लेयरिंग हो या वर्डिंग हो या ग्राफ्टिंग हो, कटिंग हो, या हम किसी कॉर्न से यूज कर सकते हैं, राइजोम से यूज कर सकते हैं, सकर से यूज कर सकते हैं, क्लॉव यूज कर सकते हैं, वल्व यूज कर सकते हैं। तो हम किसी भी पौधे के द्वारा अगर हम उसका प्रोपगेशन करते हैं तो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं क्राइसेंथेमम की, तो क्राइसेंथेमम में प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है, तो वो हमारा प्रोपगेशन होता है टर्मिनल स्टेम कटिंग के द्वारा। टर्मिनल स्टेम कटिंग के द्वारा हम 4 to 5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग जून टू जुलाई एंड सकर्स ड्यूरिंग फरवरी टू अप्रैल, सॉरी, अगर हम बात करें कि टर्मिनल स्टेम कटिंग के द्वारा हम करेंगे तो हमें 4 to 5 सेंटीमीटर की होना चाहिए और इसको हम कब करेंगे, जून टू जुलाई में। अगर हम बात करें सकर्स के द्वारा अगर हम कर रहे हैं तो हमें फरवरी टू अप्रैल में हमें इसकी प्लांटिंग ड्यूरिंग जून टू जुलाई एट 30 into 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग ऑन वन साइड ऑफ रिस्ट। इसी तरह अगर हम बात करें तो कितने प्लांट्स हमारे पर हेक्टेयर में प्राप्त होंगे, 1,11,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर प्राप्त होंगे। तो हमारा प्रोपोगेशन हमारा डिपेंड करता है कि हम अलग अलग डिफरेंट क्रॉप के लिए हमारा डिफरेंट प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हैं। तो हम क्राइसेंथम की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पे हम या तो सकर्स के द्वारा हम प्रोपोगेशन करेंगे या टर्मिनल स्टेम कटिंग के द्वारा हम प्रोपोगेशन करेंगे। टर्मिनल स्टेम कटिंग के द्वारा अगर हम करते हैं तो 4 to 5 सेंटीमीटर हम जून टू जुलाई में करते हैं, और इसके अलावा सकर्स के द्वारा हम अगर करते हैं तो फरवरी टू अप्रैल में करते हैं। प्लांटिंग हमें करना चाहिए जून टू जुलाई में, इसके लिए 30 into 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कितने प्लांट्स, 1,11,000 हमारे पर हेक्टेयर में लग सकते हैं। प्लांटिंग डेंसिटी एंड स्पेसिंग की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस कट फ्लावर के लिए बात कर रहे हैं 40 to 45 प्लांट्स पर मीटर स्क्वेयर में। लूज फ्लावर 30 into 20 सेंटीमीटर और 20 into 25 सेंटीमीटर पे प्लांट्स पर मीटर स्क्वेयर में हम लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें 20 into 20 सेंटीमीटर, स्प्रेस 30 into 30 सेंटीमीटर और पॉट मीन्स 3 to 5 कटिंग्स पर पॉट 15 सेंटीमीटर। तो प्लांटिंग डेंसिटी और प्लांटिंग स्पेस
अलग अलग वेरी करता है हमारा। अब हम बात करते हैं मैनुअर फर्टिलाइजर की, कि हमें किसी भी क्रॉप के लिए कितना खाद और उर्वरक हमें देना चाहिए, मैनुअल फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले FYM की, 3 to 5 kg पर मीटर स्क्वेयर एरिया में हमें देना चाहिए। NPK 30, 10, 15 के रेशियो में हमें 50 ग्राम पर मीटर स्क्वेयर एट मंथली इंटरवल्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं FYM NPK की, तो हमारा FYM जो है वो कितना, 3 to 5 kg पर मीटर स्क्वेयर एरिया। हम यहाँ पर मीटर स्क्वेयर एरिया की अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, हमें कह रहे हैं कितने मीटर स्क्वेयर में कितना देना चाहिए। इसी प्रकार से NPK की हम बात करें तो 30, 10, 15 के रेशियो में ग्राम पर मीटर स्क्वेयर एट मंथली इंटरवल। लूज फ्लावर की अगर हम बात करें, लूज फ्लावर FYM 10 to 15 टन, नाइट्रोजन 150 kg, फॉस्फोरस 100 kg एंड के 120 kg पर हेक्टेयर। स्प्रे ऑफ लाइट सॉल्यूशन ऑफ के प्लस SSP एट व्हाट डेवलपमेंट स्टेजिंग इज वेरी बेनिफिशियल। अप्लाई नाइट्रोजन थ्रू CAN सोर्स एच यूरिया कॉज फाइटोटॉक्सिसिटी। इसी प्रकार हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स की अगर बात करें, माइक्रो न्यूट्रेंट्स हम क्या स्प्रे करना चाहिए, तो फॉलियर स्प्रे ऑफ ZnSO4 का 0.25% प्लस MgSO4 का 0.5% का हमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स स्प्रे करना चाहिए। इसी प्रकार से बायो फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें, तो सॉइल एप्लीकेशन ऑफ 2 kg ईच ऑफ एजोस्पायरलम एंड फॉस्फोबैक्टीरिया पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। इट इज टू बी मिक्स्ड विथ 100 kg ऑफ FYM एंड अप्लाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैनुअल फर्टिलाइजर की, तो FYM की हमने बात की थी 3 से 5 kg पर मीटर स्क्वायर, NPK की बात की थी 30, 10, 15 ग्राम रेशियो से पर मीटर स्क्वायर मंथली इंटरवल से हम अप्लाई करते हैं। लूज फ्लावर के लिए FYM 10 to 15 टन, नाइट्रोजन 150 kg, P 100 kg एंड K 120 kg पर हेक्टेयर। स्प्रे ऑफ लाइट सॉल्यूशन ऑफ केक प्लस SSP एट डेवलपिंग स्टेज वेरी बेनिफिशियली। अप्लाइड नाइट्रोजन थ्रू CAN सोर्स एज यूरिया कॉजेज फाइटोटॉक्सिसिटी। माइक्रोन्यूट्रेंट्स की अगर बात करते हैं, फॉलियर स्प्रे ऑफ ZnSO4 0.25% एंड MgSO4 0.5%। बायो फर्टिलाइजर सॉइल एप्लीकेशन ऑफ 2 kg ईच ऑफ एजोस्पायरलम एंड फॉस्फोबैक्टीरियम पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। इट इज टू बी मिक्स्ड विथ 100 kg ऑफ FYM एंड अप्लाइड। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो स्प्रे हमारा जिब्रेलिक एसिड करते हैं एट द रेट 50 PPM ऑन 30, 45 एंड 60 डे आफ्टर प्लांटिंग। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमें कब स्प्रे करना चाहिए, क्या करना है हमें, स्प्रे हम करेंगे जिब्रेलिक एसिड का 50 PPM ऑन 30, 45 एंड 60 डे आफ्टर प्लांटिंग। प्लांटिंग मेथड्स की अगर बात करें, तो प्लांटिंग मेथड्स, कटिंग आर प्लांटेड ऑन बेड्स ऑन अबाउट 12 to 15 cm वाइड। आयरन नेट्स आर यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट्स शुड बी प्लांटेड विथ देयर रूट फुली इन द सॉइल एंड वेल प्रेस्ड टू द मेक गुड कंटेंट विथ सॉइल। ए डेंसिटी ऑफ 30 to 45, 48 प्लांट्स शुड मेंटेन पर मीटर स्क्वायर।
प्लांट्स आर ऑल्सो रेस्ट इन पॉट और बेंच. प्लांट्स आर ऑल्सो रेस्ट इन पॉट्स एंड बेंच. इसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन की. काफ़ी इम्पोर्टेंट कि इरिगेशन हमारा डिपेंड करता है कि हमें कब देना है. इरिगेशन हमारा डिपेंड करता है कि हमारे फील्ड में मॉइस्चर कितना पहले से उपलब्ध है. सॉइल शुड हैव 60 to 70% मॉइस्चर. डिपेंडिंग अपॉन वेदर 8 to 10 इरीगेशन अप टू फॉर 2.5 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ आ रखा. इरीगेशन कभी भी हमें फिक्स नहीं होती है कि हमें इरीगेशन 8 से 10 दिन के अंतराल में ही देनी है. अगर हमारे यहाँ अगर बारिश हो जाती है किसी भी फील्ड में तो हमारे यहाँ मॉइस्चर काफ़ी पहले से प्रदान होगा. या हमारे फील्ड में पहले से अगर मॉइस्चर है तो हमें इरिगेशन देने की आवश्यकता नहीं है. इरिगेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें प्लांट को देखकर, सॉइल की कंडीशन को देख के, फील्ड की कंडीशन को देख के हमें देना है. ऐसा नहीं है कि हमने अगर लिखा है कि 8 से 10 दिन के अंतराल में हमें इरिगेशन करनी है तो हमें इरिगेशन करनी है, क्योंकि पहले से अगर हम उसमें पहले से मॉइस्चर अगर हमारे फील्ड में है तो वह हमारे पौधे के लिए हानिकारक होगा. इसलिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण बात है कि हमें इरिगेशन जब भी करना चाहिए. इरिगेशन के अलावा मैनुअल फर्टिलाइज़र भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए. कि दोनों ही चीज़ें हमारी डिपेंड करती है कि हमारी सॉइल की कंडीशन क्या कह रही है. अगर हमारे सॉइल में पहले से NPK उपलब्ध है तो हमें जितनी आवश्यकता उतनी ही देनी. इसी प्रकार से इरिगेशन की अगर हम बात करें तो अगर हमारे फील्ड में मॉइस्चर पहले से उपलब्ध है तो हमें इरिगेशन फील्ड की कंडीशन को देख के करना चाहिए. ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो इस इरिगेशन किसी भी फील्ड के लिए हम जो भी करते हैं. रेफरेंसेस है, हमने कई सोर्स से हमने कलेक्ट किया है ये मटेरियल जो आपके लिए, वो हमने यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हुए हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास, ऑनलाइन क्लास, आपको पसंद आई होगी और आपके सजेशन और सुझाव के लिए हम हमेशा तैयार हैं. किस प्रकार की कोई अगर कमी या कोई फॉल्ट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो के, आप मैसेज करके चैट बॉक्स में. उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, घर पे सुरक्षित हैं. थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स.